पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू को लेकर हमने आपको बताया था कि अंजू भारत आखिर क्यों लौटी हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अंजू का फ्यूचर प्लान क्या है। अंजू अब भारत में ही रहेंगी या पाकिस्तान वापस जाएंगी? अपने फ्यूचर प्लान को लेकर अंजू ने न्यूज 18 से क्या बताया, सुनिए आप। आगे किस पहचान के साथ आप रहना चाहेंगी और किस मुल्क में रहना चाहेंगी? अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है, वो आपके ऊपर तय है। देखो, पहचान तो मेरी पाकिस्तान में अंजू के नाम से भी है और फातिमा के नाम से भी है, तो नाम जिसको जो ठीक लगे वो हो सकता है। और आगे फ्यूचर में मेरा नाम, मतलब जो मेरी पहचान है वो जो भी होगी और जिसके साथ रहूँगी उसी के साथ ही होगी। और आगे फ्यूचर यही है कि सबसे पहले तो मैं अभी होके आई हूँ, उनको यहाँ बुलाऊंगी और फिर हम डिस्कस करेंगे क्या करना है, कहाँ रहना है, यहाँ रहना है उनको या फिर कहीं अदर कंट्री। अच्छा, जो आपके शोहर हैं उनको आप हिंदुस्तान बुलाना चाह रही हैं? जी जी। और यहाँ रहेंगे उनके साथ? हाँ, पहले एक बार वो यहाँ पे आए फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे आगे का फ्यूचर। तो वो राजी है हिंदुस्तान आने के लिए? हाँ, अपना क्यों नहीं के? नहीं, ऐसे अभी तो आएंगे ना एक बार। आपको भी पता है हर जगह अपना प्रोसेस होता है, बिल्कुल इतना आसान तो है नहीं सारी चीजें, तो पहले तो हम उन्हें बुलाएंगे। आप जब हिंदुस्तान आई अमृतसर में, आपसे आईबी ने पूछताछ भी की, इंटेलिजेंस ने, यहाँ पर आपको किन किन लोगों का सपोर्ट मिला और किन किन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया यहाँ पर? सुना आपको आप घर से भी बेदखल हो गई हैं? हाँ, जब मैं बॉर्डर पे आई थी और बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेरी पूछताछ की और बहुत उन्होंने चिंताजनक इस तरीके से मुझे, उन्होंने मतलब एक फैमिली की तरह उन्होंने मुझे बिठाया, बातचीत करी, सारी चीज़ें पूछी मेरी वहाँ पे कि वहाँ का क्या प्रोसेस था, क्या रूटीन था आपका, कहाँ कहाँ घूमे हो, कहाँ किस किस से मिले हो, ये सब पूछा था मुझसे। और उन्होंने ये बोला अभी कहाँ जाओगी, कहाँ रुकोगी, सारी चीज़ें पूछी थी एक जैसे फैमिली पूछते हैं। तो मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ के देश के लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा और पूछा भी। तो मैंने उनको बताया है कि मैं अभी जाऊँगी और मेरे अपने जो फ्रेंड सर्कल है या जो मेरी जानकार है उनके यहाँ जाऊँगी, कॉल करूँगी, पहले यहाँ से निकलूँ तो मैं कॉल करूँगी, मुझे जो बुलाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी जो मुझे सपोर्ट करे। तो आपके पति अब आपको आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं या आप उनके साथ नहीं रहना चाहिए? बच्चे आपके हैं? जी जी, तो अभी बच्चे मेरे साथ हैं और मैं अभी उनसे अलग रह रही हूँ और आगे भी अलग ऐसे ही रहना है और उसके बाद देखेंगे और एक बार बातचीत करेंगे और जो भी लीगली प्रोसेस होगा वो करेंगे। ग्वालियर में आपका परिवार रहता है, मम्मी पापा? सुना वहाँ भी लोगों ने विरोध कर दिया कि अंजू को यहाँ नहीं आने देंगे? हाँ बिल्कुल, वो जिस तरीके माहौल बना था तो उस तरीके से तो उस टाइम बोला ही था, पर अब मेरे आने के बाद मेरे घर वाले और मतलब जो यहाँ पे जो हस्बैंड है काफी पॉजिटिव हो गए हैं मेरे आने के बाद, तो क्योंकि कल तक तो यही लग रहा था कि मैं आऊंगी नहीं इसलिए, पर ऐसा अभी कुछ ऐसा है नहीं। और माहौल बना था तो कंप्लेन भी कर दी थी, हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ठीक है, अगर वो लोग मेरे से नहीं वहाँ बुलाना चाहते तो ऐसी कोई बात नहीं है। वापस पाकिस्तान जाना चाहेंगी? नहीं, अभी तो नहीं जा रही हूँ, आगे फ्यूचर में भी जा सकती हूँ। जो पाकिस्तान हुक्मरान है या जो वहाँ की ISI है, उन लोगों ने भी आपसे पूछताछ की थी इंटेलिजेंस ने, जैसे हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस की थी? आप नहीं, जब नहीं, गई कि कोई एजेंट तो नहीं है, भारत की जासूस तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरा सबसे पहली बात तो लीगली डॉक्यूमेंट्स थे, लीगल प्रोसेस था, तो ऐसे मेरी कोई पूछताछ नहीं हुई वहाँ पे, ना किसी ने कुछ बोला कि ये है वो है जासूस है, कुछ भी नहीं बोला, कोई नहीं आया मुझसे इस तरीके से। आप बोलते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी चीजें जो है वो गलत दिखाई जा रही हैं, आपकी सच्चाई को गलत तरीके से रखा जा रहा है, आप क्या सच बताना चाहती हैं? गलत सही तो यही है कि सबसे पहले जैसे मैं आई थी तो जिस तरीके से मुझे मतलब विलन जैसा बना दिया, बोल रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गई है अंजू, ये है जासूस है, 4 महीने ट्रेनिंग लेके आई है। मैं ये सब सारे लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि भाई मैं आपकी अपनी यहाँ की हूँ, मेरी यहाँ की नागरिकता है, मैं यहाँ की हूँ, सब कुछ है, तो मेरे को यहीं आना था, तो मैं ऐसे कैसे और मतलब इस तरीके से मुझे बोल सकते हैं? और फिर हमारी अपनी इंडिया की कानून है और जो बॉर्डर, वो अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे बॉर्डर से यहाँ आने देते अंदर एंटर? सबसे पहली बात तो यहीं खत्म हो जाती है, मुझे वहीं नहीं बिठा लेते। तो वो सारी चीजें मतलब क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं आई आराम से, सेफ थी जहाँ भी थी, और मैं साइलेंट इसलिए थी कि मुझे सबसे पहले तड़प थी मुझे अपने बच्चों से मिलना, उसके बाद ही किसी से बात करूंगी। और मैंने कहा था कि सबको जवाब दूंगी मैं आके, सारी मीडिया को फेस करूंगी, इसलिए मैं शांत रही आते समय। तो अंजू क्या सीमा हैदर से इंस्पायर थी क्या कि आपने देखा कि सीमा हैदर को इतनी पब्लिसिटी मिल रही हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से आ गई तो अंजू को पाकिस्तान जाना चाहिए, ये भी बोला जा रहा है? नहीं नहीं, ये भी सब अफवाहें, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरी ऐसी पब्लिसिटी हो जाए, ऐसा होता तो फिर मैं लाइव होके नहीं जाती।
बस सीमा हैदर को लेके क्या कहेंगे, वो हिंदुस्तान आ गई, उन्होंने भी हिंदुस्तान को अपना लिया, यहाँ पे शादी कर ली सचिन मीणा से। देखो वो उसकी अपनी चॉइस है और अपनी पसंद है और अपनी उसकी पर्सनल लाइफ है, और वो जो आई है वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आई है पाकिस्तान, उसे कभी वापस नहीं जाना है, इसलिए वो अपने बच्चों को और सब तरीके से आई है। और अंजू पर दोनों ऑप्शन है, हिंदुस्तान में भी रहना है और अपने शोहर को पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी बुलाना है या पाकिस्तान भी जाना है। बिल्कुल, अब मेरे वहाँ पे मेरा प्यार है पाकिस्तान, और ये मेरी माँ जैसी है, मेरी ज़मीन है ये, तो मुझे बहुत अपने देश से बहुत प्यार है। और मेरी जो एक्साइटमेंट थी, जो मैं आई थी, मैं बहुत खुश थी, मेरे अपने बच्चे थे, उनसे मिलना, बहुत सारी चीज़ें, तो जाहिर सी बात है। दोनों पहचान अंजू और फातिमा दोनों बरकरार रहेंगी अब अंजू की? हाँ, अभी बरकरार ही रहेगी, दोनों ही नाम से दोनों कंट्री में जानते हैं दोनों। और आगे करियर क्या रहेगा आपका, जॉब वगैरह यहाँ कैसे आप जीवन? हाँ बिल्कुल, अभी मैं जॉब करूंगी, अभी रहने का किया है और फिर अब जॉब भी करूंगी और बच्चों को अपनी परवरिश करूंगी जैसे पहले कर। शुक्रिया। तो ये थी अंजू और फातिमा, जो दोनों नाम ही इनके हैं। इन्होंने कहा है कि अभी पाकिस्तान जाने का फिलहाल इनका कोई इरादा नहीं, लेकिन अपने शोहर का जरूर हिंदुस्तान बुलाना चाहेंगी, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए ये हिंदुस्तान वापस आई हैं, और हिंदुस्तान भी इनकी जमीन है और अब पाकिस्तान भी इनका प्यार है, और ये दोनों मुल्क जो हैं उनके लिए लगातार जो अपनी भावनाएं हैं उन्होंने यहां पर न्यूज 18 इंडिया के सामने रखी।